बहिया रखा गया जो कि बाद में बंबई में तब्दील हो गया। 1661 में नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम मुंबई की आवाज में। आज हम बात करेंगे भाईंदर ईस्ट में और जिस तरह से आज स्वास्थ्य को लेकर हलचल मची हुई है पूरे हिंदुस्तान में। बीमारियों का कोई अंत नहीं हो रहा है, लेकिन एक जज्बा देखने को मिला कि पोलियो को लेकर बहुत सारी गंभीरता दिखाने की कोशिश की सरकार, लेकिन ऐसी कई बीमारियां हैं जिससे आम आदमी का वास्ता पड़ता है और सरकार जो है कान में तेल डालकर सोई रहती है। और यही कारण है कि एनजीओज को इस मामले में सामने आना पड़ता है। आज हम बात करेंगे कि मानवाधिकार एसोसिएशन के जो लोग हैं वो कितने गंभीर हैं स्वास्थ्य के मसलों को लेकर। आज हम बात करेंगे भाईंदर ईस्ट से। कहते हैं कि जान है तो जहान है, लेकिन सरकार कब इस मसले को समझने की कोशिश करेगी? हम कुछ चेहरे दिखाने की कोशिश करेंगे आपको। ये वही चेहरे हैं जो लगातार ये कोशिश करते हैं कि अपने आसपास के माहौल को हेल्दी बनाया जाए, यानी जो भी स्वास्थ्य समस्या को लेकर परेशान रहते हैं शहर में, मुंबई में या मुंबई के आसपास, उनको कहीं ना कहीं से जीवन दान देने का जो क्रम है उसमें ईश्वर का हाथ होता है, गॉड का हाथ होता है, अल्लाह का हाथ होता है। लेकिन आम लोग भी जब इस कार्यक्रम में शामिल होते हैं, अपना योगदान देते हैं, तो कहीं ना कहीं से सवाल ये उठता है कि सरकार क्यों है और सरकारी जो मुंबई में जो बड़े बड़े अस्पताल हैं उनकी कितनी जरूरत, क्या औचित्य है उन अस्पतालों का जहां आम आदमी नहीं पहुंच पाता। और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे इन लोगों से कि आम आदमी की सुरक्षा को लेकर, आम आदमी की हेल्थ को लेकर सरकार उतनी जागरूक क्यों नहीं है जितनी हम उम्मीद करते हैं। और निश्चित रूप से कई सवाल होंगे सरकार और उन हॉस्पिटल को लेकर जहाँ पर आम आदमी सपना भी नहीं दे सकता कि वो इलाज करा पाए। गीता जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह का जो कदम आपने उठाया है क्या सोच के उठाया? कहीं ना कहीं से कोई निराशा मन में थी, कोई समस्या थी? समस्या ये कि गरीब लोगों के लिए जो 7 हिल हॉस्पिटल में हॉस्पिटल ने हमारे लिए जो सेवा उपलब्ध की है फ्री ऑफ चार्ज, किडनी, कैंसर, ब्रेन एंड किडनी, इसके लिए हम लोग बहुत शुक्रिया अदा है 7 हिल हॉस्पिटल के तरफ से। और हमारे मानवाधिकार के मिस्टर दीपक नाइक है, अफसर कुरेशी है, उन्होंने बहुत मेहनत की है। ये भाईंदर, मीरा रोड, हर जगह बैनर लगा के गरीबों की सेवा के लिए फ्री ऑफ चार्ज ऑपरेशन के लिए यहाँ टीम बुलाई गई है, तो मैं पहला धन्यवाद करती हूँ इन लोगों का, शुक्रिया। तो वाकई हिंदुस्तान में अफसरशाही को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, लेकिन एक अफसर ऐसा है जो शरीफ समझा जाता है इस इलाके में। अफसर आप आइए सामने। अफसर आप इधर आइए। अक्सर अफसर को लेकर समस्या होती है, कोई अफसर काम नहीं करता, सरकारी अफसर। आपने किस तरह से इस आंदोलन को देखिए? मेरा तो ये मानना है कि जो जिस तरीके की स्कीम सरकार ने हमें दी है, राजीव गांधी जीवनदायी योजना, ये योजना जो है यहाँ के हॉस्पिटलों में बराबर से नहीं निभाई जा रही है। यहाँ सिर्फ 1.5 लाख रुपए का पैकेज दे के लोगों को गुमराह किया जा रहा है। इसीलिए हम लोगों ने 7 हिल हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स हैं उनसे कांटेक्ट करके उनको यहाँ बुलवा कर यहाँ के लोगों की समस्या दूर करने के लिए हमने जितने भी बैनर वगैरह लगवाए हैं, और हम यहाँ के नेताओं को चेतावनी देते हैं कि सुधर जाओ, नहीं तो मानव अधिकार रास्ते पर उतर के सबकी, इधर जितने भी सब हॉस्पिटल है सबकी धज्जियां उड़ा देंगे। और ये हमारा एक नारा है, मानव अधिकार सुरक्षा का द्वार। मानव अधिकार जो है वो हर इंसान के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं, भोले भाले लोग हैं जो नहीं समझ पाते हैं। हमारे साथ नाइक जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी के अंदर जो जागरूकता होनी चाहिए, सरकार बड़े बड़े दावे करती है लेकिन जो हम उम्मीद करते हैं सरकार से और सरकारी अस्पतालों से उसमें अक्सर निराशा मिलती है, आप क्या कहेंगे पूरे मसले को देखकर? नहीं, मैं तो आज तक देखते हैं कि मुझे वोट दो, मैं बड़ा बन जाऊंगा, फिर हॉस्पिटल बनाऊंगा। बड़े बड़े 5-स्टार हॉस्पिटल भाईंदर में बन रहे, जहाँ तक म्यूनसिपालिटी का हॉस्पिटल बनाने के लिए हमने बहुत कोशिश किया है और हमारी कोशिश जारी है। हम लोग चाहते हैं कि इस टाइप से अगर हॉस्पिटल म्यूनसिपालिटी का यहाँ पर बन जाए बड़े लेवल पे, तो किसी को बाहर जाने की जरूरत ही नहीं है। तभी ये मानव अधिकार के हमारे ये पूरे टीम ने इतना मेहनत करके ये तैयारी की है कि चलो कोई नहीं तो हम तो कम से कम करेंगे। ये माध्यम से हमने आज मानव अधिकार के ये सभी ग्रुप को बुला के संजय गांधी निराधार योजना जो है, जीवनदायी योजना है, राजीव गांधी जो योजना है, जो योजना का लाभ उनको देने के लिए हम लोग यहाँ तक ये प्रयास कर रहे हैं। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि अब तक तो कम से कम 400 लोगों ने इसका फायदा उठाया है। इसी तरह से हम लोग कार्यक्रम हर जगह जगह करके लोगों में जागरूकता लाएंगे कि आपका अधिकार आपको मिलना चाहिए,
फाइव स्टार हॉस्पिटल को देख के हमारा पेट भरने वाला नहीं है, उसके ऊपर हमको मुफ्त इलाज मिलना चाहिए। ये बड़ी अहम बात की इन्होंने कि फाइव स्टार हॉस्पिटल है उसको देखकर हमें खुश नहीं होना चाहिए, हालांकि फाइव स्टार होटल में भी गरीब नहीं जा सकता खाने के बावजूद। हाँ, आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की जब सरकारी योजना बनती है, राजीव गांधी का नाम जुड़ा होता है, उसके बावजूद कहीं ना कहीं से आम आदमी में वो फल नहीं जा पाता, तो क्या होना चाहिए? नाम बताइए सबसे पहले। मेरा नाम प्रीतम नायर है, मैं अभी इस संस्था में शामिल हुआ हूँ और दीपक सर के माध्यम से हमें बहुत ही लाभ हो रहा है। इनफैक्ट अपना पूरा मीरा बहेंद्र जितने भी लोग हैं, आज जितने भी मरीज जो यहाँ पे आए हैं, सभी यहाँ से खुशी खुशी जा रहे हैं, ये बोल के कि हमें बहुत ही अच्छा इलाज इधर मिल रहा है और हम लोग बहुत खुश है और आगे भी जाके आप यही कार्यक्रम और अच्छी पैमाने में करते जाओ। एक अलग विचार देने की कोशिश है और बार बार हम आप लोगों को ये बताना चाहते हैं कि मुंबई की आवाज का मकसद सिर्फ यही है कि आम आदमी की भावनाओं को हम वहां तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं जहां तक लोग नहीं पहुंच पाते। जान है तो जहान है की बात आपने जरूर सुनी होगी, एक बहुत ही मशहूर कहावत है। हमारे साथ बहुत सारी महिलाएं हैं जिनका योगदान बहुत ज्यादा है समाज को लेकर, ये भी चाहती है कि जो बीमारी से लड़ने वाले लोग हैं, खासकर गरीब लोग, उनको राहत दी जाए। आपसे जानना चाहेंगे, आपका नाम क्या है और इस आंदोलन से कैसे जुड़ी आप? मेरा नाम संगीता दीक्षित है। मेरे हस्बैंड को कैंसर था और ऐसे मतलब उनको कुछ भी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं मिल पाया, बिकॉज कि ये सब मुझे भी नॉलेज नहीं था, तो उनको उनका ट्रीटमेंट नहीं हो पाया, ऑफ हो गया। वो टाटा हॉस्पिटल से उनका ट्रीटमेंट चलता था, फिर मैं यहाँ पे आके जुड़ गई कि ताकि जो मेरे हस्बैंड को नहीं मिला बाकी लोगों को मिल सके, वो सब ट्रीटमेंट हो सके या मैं अब उनका मदद कर सकूँ जो मुझे नहीं मिला। ये बहुत ही गंभीर बात है कि इनके पति को कैंसर था लेकिन समय रहते उनको देखा नहीं गया और यही कारण है कि आज उनके पति नहीं है। आपसे जानना चाहेंगे किस तरह की बीमारियां आती हैं आप लोगों के पास, कि कैसे कैसी बीमारियां आती हैं लोग? अपना नाम बताइए। मेरा नाम मनीषा वैंगणकर है और मैं प्रेसिडेंट हूँ यहाँ की मीरा बहेंद्र की, और स्पेशली फॉर फीमेल वार्ड। एक्चुअली हमारे जो जितने भी फीमेल है पेशेंट्स है, उन लोगों को ज्यादा से ज्यादा ब्रेस्ट कैंसर या तो यूट्रस कैंसर की प्रॉब्लम्स होती है, और ज्यादा करके जितने भी लो लेवल के लोग हैं झोपड़पट्टियों में जो रहते हैं, उन लोगों को पता भी नहीं रहता व्हाट इज दिस रिगार्डिंग यूट्रस कैंसर हो या ब्रेस्ट कैंसर, ये क्या होता है करके। और अगर उन लोगों को हो जाता है तो लास्ट स्टेज पे आके देन दे विल गेट टू नो कि ये क्या होता है करके। और जब भी ये लोग बड़े बड़े हॉस्पिटल में जाने के लिए सोचते हैं, दे कांट गेट एनी ट्रीटमेंट लाइक दैट। सो मुझे लगता है अकॉर्डिंग टू आर ह्यूमन राइट्स, हम लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया है ये कैंप ऑर्गेनाइज करके, एंड आई थैंक टू मिस्टर दीपक नाइक फॉर दिस। एंड मैं आगे भी यही कहना चाहती हूँ कि ऐसे बहुत सारे कैंप्स रहे स्पेशली फॉर फीमेल्स, दैट इज फॉर ब्रेस्ट कैंसर एंड यूट्रस कैंसर। और इसके लिए मैं भी चाहती हूँ कि मैं भी ये कैंप्स ऑर्गेनाइज करते रहूँ इन फ्यूचर, एंड स्पेशली फॉर द लो लेवल ऑफ फीमेल इन आर कंट्री। थैंक यू। तो ऐसी कई गंभीर बीमारियां हैं जिस पर गंभीर परेशानी होती है लोगों को, लेकिन उपचार का जो तरीका है सरकार का वो उन लोगों तक नहीं पहुंच पाता, हालांकि राजीव गांधी योजना है। आपसे जानना चाहेंगे कि इस तरह की जो योजना बनती है उसके बावजूद बीमारियों की जो संख्या है, बीमारी जो मरीज है उनको किस तरह से ट्रीटमेंट देना चाहिए, हालांकि उस तरह मिलता नहीं? सर, मेरा नाम आलोक पांडे है, मैं महाराष्ट्र प्रदेश का अध्यक्ष हूँ सोशल प्रोटेक्शन का। सर, ये योजना जो बनती है ये आम आदमी तक नहीं पहुँच पाती है, ना पेपर्स में आता है, ना न्यूज़पेपर्स में आता है, ना टीवी चैनल्स में आता है, कहीं पर नहीं आता। और जो राजीव गांधी की जो ये योजना बनाई गई है जिसमें करोड़ों रुपये मेडिकल फैसिलिटी के दिए गए हैं, इसके बारे में लोगों को पता ही नहीं है। हम मानव अधिकार के माध्यम से लोगों को बताना चाहते हैं कि ऐसी योजनाएं हैं महाराष्ट्र में क्या ऑल ओवर इंडिया है, गरीब लोग जिनको ये इनका फायदा लेना चाहिए उन लोग जाके सचमुच हॉस्पिटल्स में जाके बोलना चाहिए कि इस राजीव गांधी योजना के तहत मेरा इलाज किया जाए, उसका उन मरीजों का मुफ्त में जब इलाज हो रहा है ये इलाज होना चाहिए। थैंक यू सर। पांडे जी, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि अगर हम जानते हैं कि हमारा इलाज होना चाहिए उसके बावजूद लोग नहीं पहुंच पाते। गीता जी, आपको हेल्प मिला है सेवन हिल्स अस्पताल का, तो किस तरह से योजना बनी, आपने किस तरह से कन्विंस किया उनको?
हमने यहाँ पर बैनर्स वगैरह लगा के हैंडबिल छाप के सबके घरों घर दिया है ताकि लोगों को मालूम पड़े कि राजीव गांधी योजना यहाँ पर जो कैंप लगाए थे उसकी सुविधा का सब फायदा उठाए। इसके लिए बहुत से प्रयत्न ये लोग ने किए हैं और हम लोग भी हमारे ह्यूमन राइट्स के तरफ से प्रयत्न करेंगे और हर जगह हम लोग कैंप लगा रहे कि इसकी जो इसका जो बेनिफिट है वो गरीब लोगों के तलक पहुंचे और इसका बेनिफिट वो लोग उठाए। तो इनका मकसद बिल्कुल साफ है और निश्चित रूप से अगर गरीब को पता चलता है कि उसको फायदा किस तरह से मिल सकता है तो कहीं ना कहीं से उसके जो समस्या है उसमें कमी आ सकती है। अशोक निगम जी, आप काफी लंबे समय से पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, आपसे जानना चाहेंगे कि सरकारी योजनाओं का जब फायदा नहीं होता आम आदमी को तो क्या वजह हो सकती है? देखिए, सबसे पहले तो सरकारी योजनाओं की जानकारी लोगों तक नहीं पहुंच पाती और आज वही काम ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने किया है कि जो यहाँ सबर्न में कोई सरकारी हॉस्पिटल नहीं होने के कारण जो गंभीर बीमारियां होती हैं उनको खर्चा एफोर्ड नहीं कर पाती यहाँ की जनता, तो ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन ने उन लोगों तक पहुंचाया कि हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं और इसमें सेवन हिल ने हमारे एक बहुत बड़ी भूमिका सेतु की अदा की है कि जिन्होंने वो उपचार करने का भरोसा दिलाया है और आज उसी सपने को साकार करने के लिए ये कैंप लगाया गया है उन गरीबों को। बहुत से यहाँ हॉस्पिटल हैं जो 1.5 लाख रुपए का पैकेज तो दिखाते हैं जीवनदायी योजना में, लेकिन उसके बाद 1.5 लाख के बाद उन गरीबों का एक चूसने का काम करते हैं। आज ये एसोसिएशन कह रहा है कि हम राजीव गांधी जीवनदायी योजना के तहत आपको कोई पैकेज या कोई लिमिट नहीं कर रहे हैं, फ्री आपका, यहाँ तक कि हम आपको यहाँ से जिन लोगों का अभी तक 35 लोगों के बाईपास सर्जरी, 4 लोगों को कैंसर होने का ये मिला है, इन लोगों को हमारा संस्था बस से ले जाएगी, उन लोगों को बाईपास सर्जरी करा के उनके घर तक पहुंचाएगी। ये काम आज ह्यूमन राइट एसोसिएशन ने किया है। राजीव गांधी जीवनदायी योजना जो है उसको लेकर एक उम्मीद की किरण नजर आती है, लेकिन अफसोस की बात यही है कि आम आदमी जिसके लिए योजना की शुरुआत की गई थी उससे वो वंचित है। हम गीता जी आपसे जानना चाहेंगे कि जो यहाँ पर सेवन स्क्वायर होटल भी है, मतलब माफ कीजिएगा, सेवन स्क्वायर हॉस्पिटल भी है, नरेंद्र मेहता उसके मालिक हैं, उन्होंने कोई कुछ हेल्प नहीं करी आपकी? ये लोग कोई हेल्प करते नहीं, जो भी हमारी ह्यूमन राइट्स एनजीओ जितनी है जिनको मालूम है सेवन हिल के बारे में, हॉस्पिटल के बारे में, वही लोग सब प्रयत्न करते हैं। बाकी आमदार, खासदार, नगर सेवक वोट के टाइम, इलेक्शन के टाइम वोट मांगने के लिए आते हैं, उनको मालूम नहीं कि सुविधा क्या है, गरीबों को कैसे पहुंचाई जाए सुविधा, वो लोग नहीं प्रयत्न करते। लेकिन हमारे जो ह्यूमन राइट्स के लोग है तो बहुत इसके पीछे पड़े, जो गरीबों के अपनी सेवा उनके तक पहुंचाई जाए इतनी हम लोग सेवा करते हैं। आपको बता देना चाहेंगे कि नरेंद्र मेहता जो है यहाँ के भारतीय जनता पार्टी के शहर के अध्यक्ष हैं और मुजफ्फर हुसैन जो आमदार हैं उनका भी हॉस्पिटल है और नरेंद्र मेहता का भी हॉस्पिटल है, लेकिन अफसोस की बात यह है कि अंधेरी का एक जो हॉस्पिटल है वो इन लोगों की मदद करने की बात करता है। आपसे जानना चाहेंगे कि कभी नरेंद्र मेहता और मुजफ्फर हुसैन ने पहल करने की कोशिश की कि गरीबों का इलाज हो? देखिए, बैनर तो हमने उनके देखे है, जैसा कि 1.5 लाख रुपए की सुविधा दे रहे हैं और यहाँ तक सुनने में आया है कि जिसका 5 या 6 लाख रुपए बिल होता है उसके लिए ये 1.5 लाख रुपए की छूट है। और दूसरी बात, हमने डॉक्टर से एक पेशेंट को हमारे यहाँ से भेजा था हमारे कैंप रखने के पहला, और वो जैसा पेशेंट को वहाँ भेजे तो वो डॉक्टर ने क्या किया कि 400 रुपए की स्लिप फाड़ दिया उनको। 400 रुपए की स्लिप फाड़ने के बाद में वो पेशेंट को बोलता है कि ये सुविधा हमारे पास में नहीं है। फिर हमने डॉक्टर को फोन करके पूछा कि आपको कैसा पता है ये सुविधा, बोलते पहली बात तो हमको खुद को मालूम नहीं हमारे राजीव गांधी के अंतर्गत कौन सी सुविधा आती है, डॉक्टर लोगों को खुद पता नहीं है तो क्या लोगों का इलाज करवाएंगे। ये बड़ा गंभीर विषय है कि डॉक्टर को जब नहीं मालूम होगा तो कहीं ना कहीं से उसका खामियाजा गरीब और उस बीमार आदमी को भुगतना पड़ेगा जिसके लिए सरकार ने दावे किए हैं। आप लोगों से जानना चाहेंगे, आप लोग जब इस तरह की बीमारियां देखती हैं समाज में तो कितनी तकलीफ होती है और क्या होना चाहिए? हम चाहते हैं कि हम जो अभी हमारे वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन में जो यूथ महिला आई है, जो यूथ है, यूथ पीढ़ी भी इस सफर को, इस पेन को महसूस करे और वो अपने यंग जनरेशन को भी आगे बढ़ाए, वो अपने फुल नॉलेजेबल, पूरी उनको नॉलेज पहुंचाए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में, जो भी जितने भी एनजीओज है और हमारे जितने भी जो हमारे बड़े पोस्टिंग्स पे हैं उनके थ्रू हम उनके अंडर आकर वी ऑल्सो केम टू नो एक्चुअली व्हाट इज ऑल दिस अबाउट। और हमें ये अभी प्रचार हमारे यूथ जनरेशन में पहुंचाने की बहुत सी चाव है एंड आई रियली वॉन्ट टू क्लैप और राउज ऑफ फ्लॉर फॉर ऑल माई वुमेन्स ऑर्गेनाइजेशन वुमेन्स, सो प्लीज डू टेक अ अप्लॉज फॉर इट।
तो इस देश में महिलाओं की जो स्थिति है उससे आप अनजान नहीं हैं। भले ही सरकार दावे करे या बड़ी बड़ी जो पार्टियां हैं, राजनीतिक दल हैं, वो भी कहते हैं महिला आरक्षण को लेकर हम गंभीर हैं, लेकिन यहां पर जो महिलाओं की स्थिति काफी बुलंद नजर आती है। लेकिन इस शहर में या इस देश में कई बार शराफत से काम नहीं बनता। आपको नहीं लगता कि शराफत इंसान की कमजोरी भी होती है? कई बार आपको देख के लोग डरते हैं कि नहीं? मैं ह्यूमन राइट्स से नेशनल सेक्रेटरी कृष्णा सैनी। ह्यूमन राइट्स में गरीब हो अमीर हो सबके लिए एक ही जगह है, चाहे छोटा हो बड़ा हो। और दूसरी बात है, जो अपनी जनता है उनको कितनी भी बड़ी बीमारी क्यों ना हो, उनको एक हक बनता है कि हॉस्पिटल में जाके अपना ट्रीटमेंट कराए। जिसको राजीव गांधी जीवन योजना के बारे में नहीं मालूम है, वहाँ के हॉस्पिटल के डॉक्टर से नर्स से किसी से भी इंक्वायरी कर सकते हैं, या तो फिर जैसे ह्यूमन राइट्स वाले हैं उनसे जो इंक्वायरी कर सकते हैं। दूसरी बात, बीमार होने के बाद आदमी इतना डर जाता है, डॉक्टर पहले ही जाके इतना बड़ा बिल उसको दे देते कि आदमी डर जाता है, वो कोशिश ही नहीं कर पाता कि मैं अपना इलाज कराऊँ या क्या करूँ। बहुत से जन अभी लास्ट टाइम पे सेवन हिल्स में हमने मेरे ख्याल से 300-400 लोगों को भेजा था कुछ पिछले साल में हमने, वहाँ पे ही बहुत अच्छा उनका ट्रीटमेंट हुआ और अच्छे से उन लोग घर पे आए। इसलिए किसी को कितनी बड़ी बीमारी क्यों ना हो अपना ट्रीटमेंट कराए। सेवन हिल्स के बारे में ऑल इंडिया में सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, चाहे 1.5 लाख हो, 2 लाख हो या 5 लाख हो, लेकिन ये जीवनदायी योजना ह्यूमन राइट्स ने जो ये किया है उसमें फ्री ऑफ कॉस्ट है, किसी से डरे नहीं, बिंदा जाके अपने इलाज कराए वहाँ पे। फ्री ऑफ कॉस्ट का मतलब होता है मुफ्त में आप इनकी सेवा ले सकते हैं। गीता जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जो लोग वाकई परेशान हैं आपसे कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं? कुछ वेबसाइट वगैरह बनाया है, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह? हमारे कॉन्टैक्ट नंबर है, वेबसाइट है, उसके ऊपर जाके वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जैसे लेमन चैनल में हमको आके यहाँ पर ये किया है, तो उनके माध्यम से भी हम लोग बहुत यानी शुक्रिया अदा करते हैं लेमन चैनल का भी, जो यहाँ पर आके हमारी जो आवाज है लोगों तक पहुँचाई जाए और उनकी तलक उन तलक ये सब जो बीमारी का ये जो किस्सा है। तो सेवन हिल्स हॉस्पिटल में जाके राजीव गांधी योजना येलो और ऑरेंज कार्ड, ये रेशनिंग कार्ड चलता है वहाँ पर, तो वहाँ जाके संपर्क करे और अगर उनको हेल्प नहीं होती तो हमारे एनजीओ से ज्वाइंट हो जाए, तो हम उनको हेल्प जरूर करेंगे। आपका कोई वेबसाइट वगैरह है? हाँ जी, हमारी वेबसाइट है, तो हमारी वेबसाइट है जो हम लोग चैनल पर दिखा देंगे, तो उसमें आप कांटेक्ट कर सकते हैं। मीरा भाईंदर में लोगों की उम्मीद पर खरा उतरने का दावा तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन दो हॉस्पिटल बनने के बाद ये उम्मीद की किरण जगी थी कि गरीबों का जो इलाज है उसमें काफी फायदा होगा, लेकिन अभी भी ये समस्या है कि मुजफ्फर हुसैन का हॉस्पिटल उमराव हो या फिर नरेंद्र मेहता का हॉस्पिटल सेवन स्क्वायर हो, उसमें आम आदमी नहीं पहुंच पाता है। आपसे जानना चाहेंगे कि आम आदमी के लिए क्या सुविधा होनी चाहिए और क्यों ऐसी सुविधा नहीं मिलती उनको? यहाँ पे तो मीरा भाईंदर में बहुत सारे हॉस्पिटल्स है, बहुत सारे लोगों ने अपना खुद का नाम दे के हॉस्पिटल्स खोले, बट उसमें फैसिलिटीज आप देखने जाएंगे सो वेयर एल्स, इवन इमरजेंसी पेशेंट को भी वहाँ पे रुक रुक कर मर मर के अपॉइंटमेंट लेने की योजना बनाई गई है, एंड दे नेवर कम अप विद एनी एनजीओ प्रोसेस और एनीथिंग। बट यस, ये जो हॉस्पिटल्स नहीं होके और जो हम लोग कर रहे हैं उसके अगेंस्ट आप देखोगे तो हम लोग की जो बेनिफिट्स है, हम लोग का जो आप नॉलेज सबके तरफ पास हो रहा है, दैट इज की फ्री है, तो हमारे पास आज 1000 एंड अब लोग आके आज चेकअप कराए, जबकि दो दो हॉस्पिटल्स मीरा भाईंदर में होने के बावजूद ये हमारे कैम में आज हजारों के ऊपर लोग आए हैं एंड दे हैव कम एंड डन दैट चेकअप। फिर ये क्यों हुआ है जबकि बॉम्बे में और मीरा भाईंदर में दो दो हॉस्पिटल्स है, तो ये हजारों की आज भीड़ हमारे यहाँ क्यों जमा हुई है, ये भी हम आपको अब तो डायरेक्ट पता ही चल गया होगा कि वो हॉस्पिटल्स होके न होने का फायदा भी क्या है। गीता जी, अब ये जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में क्या आप इन दोनों हॉस्पिटल को सबक सिखाने का काम करेंगी कि आप गरीबों का इलाज करो मुफ्त में? इनको तो सबक बाद में सिखाएंगे, पहले तो हम लोग गरीबों की सेवा करेंगे। जो हमारे पास लोग आज आए हैं बेचारे, तो उनकी हालत इतनी खराब है कि बड़े बड़े हॉस्पिटलों का फायदा क्या है, ये सिर्फ नाम के लिए हॉस्पिटल है। ये आमदार खासदार जो इलेक्शन के टाइम आते भीख मांगते हैं वोटों की और हॉस्पिटल नाम के लिए खोलते हैं, हमारी गरीब जनता वहां पर जाती है तो उनका इलाज नहीं किया जाता है, उनको पैसा मांगते हैं, पैसा मांगने के बाद इलाज किया जाता है, इसका फायदा क्या है? तो इनको जीत के लिए देने का, कोई आमदार हो खासदार हो, उनको हम बाद में सबक सिखाएंगे, लेकिन पहले हम गरीबों की सेवा करेंगे। जो हमारे पास लोग आए उनके सेवा के लिए हम तटस्थ खड़े हैं यहाँ पर। बहुत सारी बातें हो सकती है, लेकिन फिलहाल हम बात करें स्वास्थ्य को लेकर, और यही कारण है कि मेडिकल कैंप का आयोजन जो किया है मानवाधिकार एसोसिएशन ने किया है। आपसे जानना चाहेंगे, इस तरह की जब समस्या होती है तो हॉस्पिटल आगे क्यों नहीं आते? मेरा नाम विजय पाटिल है, विजय टोकरे पाटिल। मीरा भाईंदर के अंदर छोटे मोटे चिकित्सा हॉस्पिटल तो बहुत सारे हैं, वहाँ पर फ्री में मुफ्त इलाज होता है, लेकिन हम पहली बार मीरा भाईंदर में मानवाधिकार ग्लोबल एनजीओ ने जो इतना बड़ा प्रोग्राम लिया है उसके अंदर बहुत सारे जनताओं को जो मुफ्त इलाज मिला है,
राजीव गांधी योजना के बारे में किसी को मालूम नहीं है, लेकिन सबसे मेन शुक्रिया अदा मैं आईबी जागीदार साहब, गीता कपूर मैडम, नाइक साहब और हमारे अफसर कुरी साहब का मैं शुक्रिया अदा करता हूं और आपका लेमन चैनल का शुक्रिया अदा करता हूं, जिन्होंने आपके थ्रू भी बाकी लोगों को यह संदेश घर तक पहुंच रहा है और लोगों ने इसका लाभ लेना चाहिए, घर घर जाके और हॉस्पिटल में अपना जो बीमारी के बारे में जो खुद किसी को कुछ मालूम नहीं है उन्हें खुद का सब इन्वॉल्व करके अपना खुद का चिकित्सा कर लेना चाहिए। ऐसी कई समस्याएं समाज में जिसको लेकर जागरूकता की बात होती है, लेकिन अगर आपके आसपास भी कोई समस्या है, कोई भ्रष्टाचार आप देख रहे हैं, तो हमारे स्क्रीन पर हमारा नंबर जो है संपर्क नंबर वो फ्लैश हो रहा है, आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हम हमेशा की तरह आपकी आवाज़ बनेंगे और मुंबई की आवाज़ के जरिए हम आपकी बात हमेशा की तरह आगे भी पहुँचाएंगे। आपसे जानना चाहेंगे कि यहाँ पर जो बड़े बड़े हॉस्पिटल हैं उसके बावजूद आपके संस्था को आगे आना पड़ता है, क्यों? सर, यहाँ पे लोगों में यूनिटी नहीं है, अगर यूनिटी है तो वो कम्युनिटी वाले लोगों में ही है। अगर हम लोग है, अगर कम्युनिटी में नहीं है तो हमें कोई फैसिलिटीज नहीं मिलती है। अगर आम आदमी है जिसके पास स्लम में रहते हैं या जिनके पास कोई वोट बैंक या जो कोई आदमी नहीं है, उन लोगों के लिए कोई इधर खड़ा नहीं रहता है। जो कम्युनिटी वाले हैं वही लोग उनके फैसिलिटीज देते हैं, जो नॉन कम्युनिटी वाले लोग हैं उनके लिए कोई फैसिलिटीज नहीं है। यहाँ पर काफ़ी सारे गुजराती लोगों के हॉस्पिटल्स हैं या मोमेडियन लोगों के हॉस्पिटल्स हैं। हम हिंदू हैं, हमारे लिए कोई हॉस्पिटल्स की फैसिलिटी नहीं है। अगर हम लोग यहाँ पे जाते हैं तो हमारे कोटा सिस्टम है ना, कोई ऐसा कोई सिस्टम है। बट ये राजीव गांधी योजना जो अभी निकाली है ये हर आम आदमी के लिए निकाली है, ये आम आदमी के लिए ही है। और मेरी दरख्वास्त है जिन लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लेमन चैनल के जरिए आप जितने लोगों तक हो सके इसका प्रचार करो। और हमारे ह्यूमन राइट्स की तरफ से दीपक नाइक साहब है, अफसर कुरैशी साहब है, गीता कपूर मैडम है, इनकी तरफ से जितना हमें चांस मिलेगा लोगों तक पहुंचाने का हम जरूर पहुंचाएंगे। और लेमन चैनल जो अच्छा काम कर रहा है आप ऐसे ही आगे काम करते रहो ताकि जो आम आदमी है उनको कुछ करने का मौका मिले। आम आदमी के नाम पर एक पार्टी बन जाती है, सरकार बन जाती है, उसके बावजूद आरोप और प्रत्यारोप का जो दौर है वो शुरू होता है। नायक साहब, आपसे ये जानना चाहेंगे कि मीरा भाईंदर के जो लोग हैं बहुत ही जागरूक हैं, दो दो बड़े बड़े अस्पताल बनाए गए उसके बावजूद उनका सपोर्ट नहीं मिल रहा है, तो उनको हम किस तरह से आने वाले दिनों में समझा सकते हैं कि वाकई हमारी संस्था को आप मदद कीजिए? आज तक तो मैंने बाहर निकल के काम नहीं किया था, लेकिन मैं कोई नेता नहीं, लेकिन मैं बाहर निकलने जब काम करना चालू किया तो हर हॉस्पिटल के ऊपर बैनर तुरंत लग गए। हमारे बैनर यहाँ पर लग रहे मुफ्त में, वहाँ पर लग गए कि 1.5 लाख रुपये हम लोग फ्री करके देंगे। इस तरह से गलत मिसयूज करके जो गवर्नमेंट जो अपने को देना चाहती है देती है तो उसका बेनिफिट क्यों नहीं उठाया जाएगा? एक्चुअल में मैं ये लेमन चैनल का मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये हमारा आवाज वहां तक पहुंचाने का सबसे बड़ा चैनल हमारा यही रहेगा। और आगे ऐसे ही कार्यक्रम करते रहो, हर मानवाधिकार के कार्यक्रम में आपको बुला के आप हमारा आवाज आगे लेके जाओ, ये हमारी कामना है, शुभकामना है। और निश्चित रूप से स्वास्थ्य को लेकर जागरूकता फैलाने का काम जो भी करता है वो अच्छे के लिए करता है। अंत में आपसे जानना चाहेंगे कि अगला कदम क्या होगा आपका? मैं चाहती हूँ कि जितने भी झोपड़पट्टी है, स्लम्स है, वहाँ पे हम लोग महिला ये जाके पर्सनली हर एक महिला से बात करें और उनको नॉलेज बांटे कि यूट्रस कैंसर क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर क्या होता है करके। और इसके लिए हम लोगों को पॉलिटिशियंस लोगों ने, आई डोंट नो व्हाट इज पॉलिटिशियंस एंड ऑल बिकॉज आई डोंट बिलीव, बिकॉज मैं सोचती हूँ इन केस अगर ये जितने भी पॉलिटिशियंस हैं अगर ये लोग इतने बड़े बड़े हॉस्पिटल्स बनाते हैं तो वहां पे एंट्री होती है या तो मिडिल क्लास, आई डोंट नो मिडिल क्लास यानी हाई मिडिल क्लास, या तो हाई क्लास लोगों के लिए जिसके पास पैसा है। जब भी ये लोग वोट मांगते हैं तभी व्हाई दे डोंट थिंक ऑफ स्लम्स। स्लम्स के पास जाते हैं, झोपड़पट्टी वाले के पास जाते हैं, लो क्लास के पास जाते हैं, हमें वोट दो, व्हाई दे आर गोइंग। मेरा एक ही सवाल है, अगर उन लोगों के लिए एंट्री जो हॉस्पिटल्स में एंट्री बड़े लोगों के लिए है तो वोट भी बड़े लोगों से ही मांगिए, ये स्लम्स लोगों के पास जाइए मत ना। जब भी उन लोगों को वोट चाहिए दैट टाइम दे कम एंड व्हेन दे वांट टू अर्न मनी दे ओनली आस्क फॉर हाई फाई पीपल, व्हाई इज दैट? एंड बिकॉज ऑफ दिस आई थिंक इंडिया इज नॉट नंबर वन, अदरवाइज मुझे लगता है आज हमारा इंडिया अमेरिका से भी आगे गया होता। बिल्कुल अंत में, बिल्कुल संक्षेप में गीता जी आपसे जानना चाहेंगे, अभी जो गतिविधि चल रही है कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको?
यहाँ का जो रिस्पांस है हमारा तो बहुत ही अच्छा है। यानी अभी हमारे पहले भी कैंप हो चुके हैं, लेकिन जो कैंप हो चुके हैं उसमें ये जो कैंप हुआ उसमें बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है, और मैं बहुत खुश हूँ जो लोगों ने हमको सहकार्य किया है, जो कैंप किया है। तो आगे भी हम लोग ऐसी सेवा करती जाएंगे लोगों के लिए, जहाँ भी स्लम एरिया हो, जहाँ भी हो, हम खुद अभी जैसे इन्होंने बताया कि वहाँ जाके जो लेडीज की कोई समस्या हो, चाहे जेंट्स हो, कोई भी समस्या, कैंसर, बड़े बड़े बीमारी का, गरीब लोगों के पास पैसे नहीं रहते, तो इसके लिए उनके तलक हम लोग की सुविधा पहुँचा देंगे, और उनके पास जाके उनका जो सर्वे करके हम लोग सब नोट करेंगे कि किसको क्या बीमारी, इतनी हम लोग सेवा करेंगे सबके। कुल मिला के इनकी बात का मतलब है कि ये सेवा करेंगे, भले ही बड़े बड़े अस्पताल जो हैं उनके पास क्षमता भी है लेकिन इच्छा शक्ति नहीं है। और आज के इस सफर में हम इसी पर विराम लेना चाहेंगे, क्योंकि समस्याओं का कोई अंत नहीं होता लेकिन वक्त का अंत जरूर होता है। कल हम फिर मिलेंगे किसी अलग समस्या के साथ किसी अलग इलाके में, तब तक मुझे इजाजत दीजिए, अवनींद्र आशुतोष को फिर मुलाकात होगी, नमस्कार।